नमस्कार दोस्तों, चैनल केश धार्मिक बातें में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन पर धन वैभव सुख प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का प्राकटिक होने से इस दिन बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी, नारायण और चंद्रदेव को समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस दिन किया गया तीर्थ स्नान और दान कभी न खत्म होने वाला पुण्य देता है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का दिन महत्वपूर्ण है। बुद्ध पूर्णिमा 2023 तिथि, पूर्णिमा तिथि आरंभ है 4 मई गुरुवार रात्रि 11:44 से शुरू। पूर्णिमा तिथि समाप्त है 5 मई शुक्रवार रात्रि 11:03 पर। उद्यातिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा 5 मई शुक्रवार को मनाया जाएगा। 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण का समय 5 मई शुक्रवार रात्रि 8:45 से शुरू होकर 6 मई की मध्य रात्रि 1 बजे तक रहेगा। सिद्धि योग सूर्योदय से प्रातः 9:17 तक, स्वाति नक्षत्र सुबह से रात 9:40 तक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः 11:51 से दोपहर 12:45 तक। भद्राकाल प्रातः 5:38 से 11:27 तक है। इस बार भद्रा का वास पाताल है, इसलिए इसका दुष्प्रभाव धरती पर नहीं पड़ेगा। 5 मई 2023 को सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक स्नान का शुभ मुहूर्त है। सुबह 7:18 से सुबह 8:58 तक सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त है। चंद्रोदय को अर्घ्य देने के लिए शाम 6:45 का समय शुभ है। लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त का बात करें तो यह 5 मई 2023 की रात 11:56 से शुरू होकर 6 मई 2023 के प्रातः 12:39 तक शुभ है। कुर्म जयंती का शुभ मुहूर्त शाम 4:18 से शुरू होकर शाम 6:59 तक रहेगा। वैशाख हिंदू पंचांग का दूसरा महीना होता है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान गौतम बुद्ध का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती भी कहते हैं। माना जाता है कि इसी दिन बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को मानने वालों के लिए ये दिन त्योहार के समान होता है। वैशाख पूर्णिमा पर कुर्म जयंती भी मनाई जाएगी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार